यस थैंक यू सुचिता मैम. यस थैंक यू यस फॉर सच अ वार्म वेलकम. यस तो अभी हम चलेंगे डॉक्टर निर्मला मैम के पास. तो स्टार्टिंग मैम, स्टार्टिंग से बैटिंग मैम करने वाले हैं. यस 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 मैं सभी का वेलकम करती हूँ आज के इस मॉर्निंग सेशन में। और सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, ऐसा नहीं बोलूंगी तो मैं बोलूंगी रात से सोने से लेकर हमें दूसरे दिन रात के सोने तक के किस तरह से हमारे पूरे दिन का शेड्यूल रहना चाहिए, इसके बारे में आज का सेशन है। और मैं डॉक्टर निर्मला और डॉक्टर रमा मैम, हम दोनों आप सभी का यहाँ पे आज के इस वेलकम सेशन में वेलकम करते हैं कि हर व्यक्ति को किस तरह से अपने दिन का शेड्यूल रखना चाहिए, किस तरह से दिन का हमारी शुरुआत करनी चाहिए, और रात के सोने के पहले तक के और सोने के बाद भी किस तरह से हम इसको फॉलो करना चाहिए। और इसलिए हमने इसको बोला है दिनचर्या। चर्या का मतलब होता है कि आप पालन करते हैं, और दिन मतलब यानी आपकी सुबह कैसे होती है और रात कैसे होती है, यहाँ तक के सभी चीजों के बारे में हम बताएंगे। जैसे सभी को पता है कि आयुर्वेद शास्त्र एक बहुत प्राचीन शास्त्र है, तो इस शास्त्र में दिनचर्या नाम का सेशन नहीं बोलूंगी, उसके चैप्टर्स ऑलरेडी संहिता में दिए गए हैं। और उसी के अनुसार अगर हम हमारे दिनचर्या या हमारे दिन की शुरुआत रात तक करते हैं, उसको फॉलो करते, तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे, कभी भी हमें कोई भी डिसीज छू नहीं पाएगा। इस तरह से अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो हम बोलते हैं कि निरोगी और स्वस्थ रहने के लिए वो हमें हेल्प करता है, डिजीज फ्री लाइफ के लिए हमें हेल्प करता है। और उसी के बारे में आज हम आपके साथ में बात करने वाले हैं। यहाँ मैं शुरुआत करती हूँ रात के सोने से, है ना। जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो उसके पहले सभी को पता है कि हमें ब्रश करके सोना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं दंत धावन। तो दंत धावन करना इतना जरूरी होता है क्योंकि हम दिन भर में जो कुछ भी खाते पीते हैं वो हमारे दांतों के अंदर फंसा हुआ रहता है। और अगर रात भर वैसे ही हम बिना ब्रश के सो जाते हैं तो क्या होता है कि वहां पे कीटाणु पनपते हैं, और उसकी वजह से दांतों में सड़न होना, दांतों से मुंह से बदबू आना, है ना, इस तरह के डिजीजेस भी हो सकते हैं, और उससे हमारा हाजमा या हमारा पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। और रात में ब्रश करने का और एक फायदा मैं यहाँ आपके साथ में शेयर करूंगी, जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, है ना, तो हमने बोला है कि उष्ण पान करना है, यानी सुबह उठने के बाद में आपको पानी पीना चाहिए। तो ये पानी कैसे पीना चाहिए, यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। कि उसके पहले एक बात और बता देती हूँ कि क्या सबको पता है हमारे मुंह में एक लाला स्त्राव होता है, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। ये सलाइवा इतना 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 इम्पोर्टेंट है कि जो कोई भी लैब में यहाँ पे अभी तक कोई भी शास्त्र नहीं बना पाया है। सुबह उठने के बाद में इस सलाइवा के साथ में हमने क्या करना है, जब अगर किसी को लगता है हमें हमारी आंखों की रोशनी अच्छी रखनी है और बहुत अधिक काल तक हमें उसको अच्छा रखना है, तो हमने क्या करना चाहिए, तो उठने के बाद में आपके मुंह में जो सलाइवा होता है उसको आपके उंगलियों में लेना है ना, जैसे हम काजल लगाते हैं, इस तरह से आपके उंगलियों में बिना ब्रश किए सुबह उठने के बाद का जो सलाइवा होता है वो बिना ब्रश के आपके उंगलियों में लेना है, आपके आंखों में अंजन करना है। अंजन का मतलब होता है कि आंखों में डालना है, और उसको आप इस तरह से रोल करते हुए वो सलाइवा को पूरे आंखों में इसको फैलाना है। इससे क्या होगा कि आपकी आंखों की जो ज्योति होती है वो बढ़ती है, और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों में ऐसे भी पाया जाता है कि उनके आंखों का अगर चश्मा है, दृष्टि कमजोर हो चुकी है, उससे भी इसको लाभ मिलता है। और इसी के साथ साथ सुबह अगर बिना ब्रश के हम पानी ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, उष्ण पान करते हैं, जलपान करते हैं, तो क्या होता है कि मुंह का ये जो सलाइवा है ये हमारा पाचन तंत्र अच्छा करने के लिए हमें हेल्प करता है। तो हम बोलते हैं ना कि खाली पेट सुबह उठने के बाद हमने पानी पीना चाहिए, ताकि हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसको हम अन्न पाचन संस्था बोलते हैं, वो उसको क्लीन करने के लिए भी ये हेल्प करता है। यानी पानी में जब सलाइवा मिक्स हो जाता है तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करने के लिए मदद करता है। इस तरह से आप अगर रात में ब्रश करके सोते हैं तो ये दो फायदे, या बहुत सारे बोलूंगी ढेर सारे फायदे आपको इसके साथ में होते हैं। आज से जो लोग ब्रश करके नहीं सो रहे हैं, जो बच्चे ब्रश करके नहीं सोते हैं,
तो आप उनको ये आदत लगाइएगा कि रात में सबसे पहले ब्रश करना है और उसके बाद में ही हमने सोना है, और ब्रश करने के बाद हमने कुछ भी नहीं खाना है, ताकि अच्छे वाले बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर निर्माण हो, उसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र अच्छा हो सके। तो मैं डेली ये प्रैक्टिस करती हूँ। इस फोरम में आने के पहले मैं मॉर्निंग में कभी भी जलपान नहीं करती थी, लेकिन अभी मेरे हैबिट से बन चुकी है, उसकी वजह से सुबह जो शौच होता है वो साफ होने के लिए यहाँ पे हेल्प होता है। फिर हम बढ़ेंगे हमारे आगे की तरफ थोड़ा सा। जैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं ना, सभी लोग एक्सरसाइज करते हैं, हमारे दिन की शुरुआत हम एक्सरसाइज से करते हैं अपना जलपान के बाद में। तो एक्सरसाइज के पहले हमने क्या करना, प्री वर्कआउट हमने क्या करना है, किस तरह से हमारे बॉडी को कुछ अच्छा न्यूट्रिशन देना है। तो हम क्या करते हैं, रात में सोने के पहले हम लोग मेथी दाना, अखरोट और बादाम ये रात में सोने के पहले पानी में भिगोने के लिए रख देते हैं, और सुबह उठने के बाद हमारा जो प्री वर्कआउट होता है उसके पहले हम इसको चबा चबा के खाते हैं। तो एक अखरोट, 4 से 5 बादाम और थोड़ा सा 8 से 10 मेथी दाना। आप लोग यह बोलेंगे कि हमें डायबिटीज नहीं है फिर भी हमने मेथी दाना खाना है क्या? मैं बोलूंगी हाँ, क्योंकि मेथी दाना में फाइबर के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो ये इस तरह से आपको मिल सकते हैं। तो सुबह उठने के बाद सभी लोगों ने जिनको वेट गेन करना है उन्होंने भी मेथी दाना खाना है, थोड़ा सा खाना है, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं खाना है, अखरोट बादाम भी खाना है। और अगर जिनको वेट बढ़ाना है तो उन्होंने क्या करना है, रात में सोने से पहले उसके अंदर कुछ एक अंजीर भी डाल सकते, मनुका या किशमिश भी डाल सकते हैं, खारिक भी डाल सकते हैं, और उसको आप सुबह उठने के बाद एक तो पेस्ट बना के खाइए, या फिर चबा चबा के अगर खाएंगे तो और क्या फायदा होता है कि जो सलाइवा रहता है हमारे मुंह के अंदर वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो पाचन करने के लिए भी आपको हेल्प करेगा। क्योंकि सबको पता है कि हमारे जो भी छिलके युक्त पदार्थ हम खाते हैं, किसी ने भी छिलका उतार के अपना बादाम या अखरोट नहीं खाना है, छिलके के साथ में ग्रहण करना चाहिए, तो फाइबर भी जाएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी जाएगा, और उसी के साथ साथ हमें प्रोटीन्स भी मिलता है जो प्री वर्कआउट के पहले हम लेते हैं। तो उससे हमारे मसल्स को एक एनर्जी आती है ना, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सिंपल कार्ब्स है दोनों का संगम आप अगर लेते हैं तो एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी और वर्कआउट करने के लिए बहुत अच्छे से आपको हेल्प। उसके बाद में सबको पता है कि हम हमारा एक्सरसाइज करते हैं, सभी व्यक्तियों को 25 से 30 मिनट या मैं बोलूंगी कि 45 मिनट तक का आपने डेली एक्सरसाइज करना है। जिनको वेट बढ़ाना है उन्होंने आधा घंटा करना चाहिए, और जिनको वेट लूज करना है उन्होंने मिनिमम 45 मिनट का एक्सरसाइज करना है, जो हमारे फोरम पे सुबह जब हम सभी लोग ज्वाइन होते हैं वो करते हैं। और किसके साथ करते हैं तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, यह है मेरा अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक। जो ये हमने क्यों लेना चाहिए हमारे एक्सरसाइज के समय, इसके बारे में हमें और डिटेल जानकारी देंगे हमारे डॉक्टर रमा मैम, हमारे जो फोरम के सीनियर वेलनेस कोच है। तो मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगी कि मैम इसके बारे में आप और ज्यादा और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन या डिलीवर। यस, बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन रहा है अब तक का। यस, तो अभी जो मैम ने बोला है ना, हम तो जो अभी 21 डेज वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करे हुए जो लोग हैं, उनको तो उन्होंने उनके कोच ने बता दिया है कि किस तरीके से उन्होंने उनको करना है, लेकिन उसमें का जो चाय है तो उसका जो महत्व है वो मैं आज बताने जा रही हूँ। तो सुबह उठने के बाद कोई तो ऐसी चीज लगती है हमें जिससे हमें फ्रेशनेस आ जाए, है ना? तो हम सब लोग कॉल पे क्या करते हैं, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो हम सिप सिप अपना ये डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक लेना चालू करते हैं, अफ्रेश, जो अभी डॉक्टर निर्मला मैम ने दिखाया है। तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें है ऑरेंज पिको एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, और इसमें ब्लैक टी है। तो जैसे कि आप जानते हो ये जो है ग्रीन टी और ब्लैक टी, तो ये क्या करते हैं, फैट को कम करने को मदद करते हैं, और ये लो कैलोरी वाला अपना ये रिफ्रेशिंग टी है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। तो यस, और इसमें जो है कैफीन है जो क्या करता है, तो मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। ओके, यस। तो हमें एक बार डॉक्टर निर्मला मैम ने जो गर्मी में, अभी तो बारिश आना चालू हुआ है लेकिन गर्मी में भी हम उसको ठंडा भी बना के पी सकते हैं, ये भी उन्होंने बताया था।
तो अपना ये जो ऑफरेज है डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है, इसमें ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट रहता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाने भी मदद करता है, मतलब क्लींजिंग का भी काम करते हैं और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का भी काम करता है। और ये अलग अलग फ्लेवर में आता है, डेलिशियस फ्लेवर में बोलना चाहूंगी उसको, तो पीच फ्लेवर, तुलसी फ्लेवर, फिर अपना काश्मीरी कावा, फिर आता है सिनामन, फिर आता है जिंजर, लेमन, ऐसे एक से बढ़कर एक उसमें बहुत अच्छी तरीके से फ्लेवर है। मैं तो क्या करती हूँ कि सबको मिक्स करके लेती हूँ, तो बहुत बार मेरे पास जब कोई लोग आते हैं तो मैं उनको कुछ चीजें एडवाइस करती हूँ, तो जो वेट गेन के लिए मेरे पास आते हैं तो उनको मैं बहुत बार काश्मीरी कावा ऑफरेज देती हूँ। ऐसा कुछ नॉर्म्स नहीं है कि उसके लिए देना चाहिए, लेकिन जो ऐसे लोग रहते हैं अंडर वेट या मालनरिश जो लोग रहते हैं तो उनमें डाइजेस्टिव पावर बहुत ही वीक रहती है, और अगर ये दिया जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और डाइजेस्टिव पावर जो है अपनी बढ़ाता है। तो मैं हमेशा अपने ऑफरेज में लेती हूँ एलो कॉन्सेंट्रेट, तो यस ये एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, या फिर एलो प्लस कैप्सूल भी आप ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, तो स्टमक को सूदन करता है और अपने बॉडी में जो टॉक्सिन्स बने हैं तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है और हमारे हेयर्स और स्किन को भी अच्छा करता है। तो यस इसके लिए ये भी आपने इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा मैं एडवाइस करूंगी। और टेस्ट तो इतना अमेजिंग आता है अपने ऑफरेश का, अगर आप इसको डाल दे 2 TSF अगर इसमें डाल दे तो बहुत अच्छी तरीके से इसका टेस्ट आता है। दूसरा चीज ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है ना। अभी जैसे कि अपने हर्ष सर ने बोला कि एलो प्लस कैप्सूल अभी जो सीजन चल रहा है उसमें डाइजेशन पूरा बिगड़ चुका होता है, या अपना अग्नि जो है वो अच्छी तरीके से प्रदीप्त नहीं रहता है, तो जिनको जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है वो भी ये कंज्यूम कर सकते हैं। यस ओवर टू डॉक्टर निर्मला मैम। अभी हम चाय तो पी लिए है ना, लो कैलोरी वाला चाय पीते हैं हम, जिसे हम अफ्रेश बोलते हैं, क्योंकि जो आप मतलब अभी आप इस फैमिली में आने के बाद नहीं पीते होगे, लेकिन बासुंदी चाय जिसे हम बोलते हैं दूध शक्कर चाय पत्ती, ये चाय जो पीते हैं तो 1 कप में 400 कैलोरी जाते हैं, और हमारा जो है ये जो डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक जब आप लेते हैं तो 1 कप में केवल 4 कैलोरी जाता है। यस तो कैलोरी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। अगर आपको अपने आइडियल वेट पे रहना है तो आपको बेसिक कैलोरी मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। यस ओवर टू डॉक्टर निर्मला मैम। यस थैंक यू डॉक्टर रमा मैम, आपने यहाँ बता दिया कि चाय आपको कौन सी पीना है और किस तरह से पीना है, क्योंकि हम जो हमारी रेगुलर वाली चाय पीते हैं उसके अंदर टैनिक एसिड रहता है जो हमारे बॉडी में जाने के बाद जो हमारी इंटेस्टाइन है वहां जाके चिपक जाता है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, ये जो चाय है इसमें आप अपनी उंगली डालिए, अपने कपड़े पे गिरा दीजिए तो इसका कोई भी स्टेन नहीं आता है, लेकिन हमारी रेगुलर वाली चाय अगर हमारे कपड़ों पे गिर जाती है तो वो कपड़ा हमें फेंकना पड़ता है, वो बिल्कुल भी साफ नहीं होता है। तो सेम प्रोसेस हमारे बॉडी में भी होता है। यहाँ हमारे डॉक्टर रमा मैम ने चाय तो पिला दी है, और थोड़ा सा एक पानी के बारे में बताऊंगी कि सभी को पता है कि पानी कैसे पीना चाहिए, तो घोट घोट पानी पीना चाहिए, घूट घूट करके और बैठकर पानी पीना चाहिए, खड़े होकर भी नहीं पीना है, क्योंकि पानी का भी डाइजेशन होता है। अगर आप एक साथ 1 लीटर पानी पी जाओगे तो बॉडी में पानी डाइजेस्ट नहीं होता है, उससे और ज्यादा हमें तकलीफें होती है। तो वाटर कंजम्पशन भी आपने बैठकर और एक एक सिप बाय सिप ही लेना चाहिए। और मैडम ने इसके साथ में जो हमारी चाय के साथ में डिटॉक्सिफिकेशन का इम्पोर्टेंस आपको बताया है, क्योंकि एक्सरसाइज के समय जो स्वेटिंग होता है वहां पर डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम होता है, और वाटर रेगुलेशन के लिए भी हमारी ये चाय हेल्प करता है। ये तो आपने कर लिया, चाय भी पी ली है, सभी पी लिया है। अभी हम चाहेंगे कि अपने एक्सरसाइज के बाद में हमारे मसल्स जो रहती है शरीर पे वो पुकी हुई रहती है ना, उसको क्या खाना देना चाहिए, किस तरह से हमने उसको नरिश करना चाहिए ताकि हमारी मसल्स का पावर जो है वो बढ़े। तो सभी को पता है कि हमने रात में खाना खा लिया है, उसके बाद में हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि आपको ब्रेक करना है, जो भी आपने उपवास रखा है पूरी रात भर में वो ब्रेक करना है। तो इसे कैसे ब्रेक करना चाहिए, तो किस तरह से हमने उसको ब्रेक करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी आए आए और हेल्दी और हैप्पी लगे। तो हम ये बोलते हैं कि दिन की शुरुआत जो होती है, जैसे जैसे सूरज उगता है ना, सभी को पता है, तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, हमारी भूख भी बढ़ जाती है। तो जो हमारा अग्नि प्रदीप्त हुआ है उसमें हमने क्या डालना चाहिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मॉर्निंग के समय हम जो खाते हैं वो न्यूट्रिशियस नहीं है तो हमारे पूरे दिन दिन जो है वो लेजी बोलते हम लोग, आलस भरा रहता है। तो ऐसा नहीं करना है, तो
इसके लिए हम लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट सभी को पता है कि आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप लोग क्या क्या लेते हैं ब्रेकफास्ट में, या फिर कोई हैंड रेस करके भी हमें बता सकता है कि आप कैसे क्या ब्रेकफास्ट में लेते हैं। जो हमारे हैप्पी फैमिली में ज्वाइन है उनको पता है कि ब्रेकफास्ट क्या लेना है। कोई ऐसा जो नया है जो अपना ब्रेकफास्ट क्या लेते हो हमारे साथ में शेयर करेगा? यस रमा मैम, कोई दिख रहा है? चलिए मैं ही बता देती हूँ कि हमने किस तरह से ब्रेकफास्ट करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि सुबह की अग्नि अच्छी प्रदीप्त रहती है, तो उसमें अच्छा खाना हमने डालना चाहिए, है ना? तो हमें ब्रेकफास्ट का समय रहना चाहिए हमारे एक्सरसाइज के बाद में, तुरंत लेकर 40 मिनट्स के अंदर हमने ब्रेकफास्ट कंज्यूम करना चाहिए, ताकि मसल्स जो भूखी है हमारे सामने, जैसे हर्षद सर ने डाला है कि किंग जैसे रहना चाहिए, है ना? तो किंग जैसे का मतलब क्या है कि जो हमारी मसल्स यहाँ पे भूखी हुई है तो उनको हमने क्या देना चाहिए? तो ऐसा न्यूट्रिशन देना चाहिए जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं ना। दिन की शुरुआत उसी के साथ में अगर हम करते हैं तो हमारे मसल्स का पावर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, फिटनेस बढ़ेगा और स्टामिना भी बढ़ेगा, जो मेरा बढ़ा हुआ है। तो ये सुबह का खाना या सुबह का ब्रेकफास्ट राजा की तरह रहना चाहिए, है ना? दोपहर का खाना हमारा प्रजा की तरह होना चाहिए, यानी बहुत सारे अलग अलग डिशेस हमारे खाने में रहने चाहिए। लेकिन रात का खाना जो होता है वो हम बोलते हैं फकीर की तरह रहना चाहिए, क्योंकि फकीर कितना खाता है, उसका जो कटोरी रहती है उसमें जितना आता है सिर्फ उतना ही वो ग्रहण करता है। इस तरीके से ही हमने हमारा खाना लेना चाहिए। तो दिन की शुरुआत, दिन का ब्रेकफास्ट हमने कैसा लेना चाहिए, तो ये जानने के लिए हम जाएंगे हमारे डॉक्टर रमा मैम की तरफ। यस डॉक्टर रमा मैम, तो अभी चाय तो पी ली और मैम ने बता भी दिया है कि क्यों हमने ब्रेकफास्ट करना है। तो 9 और 10 आवर्स के लिए जो अपना खाली पेट रहता है, और अपना तो शरीर बना है सेल्स से, है जिसे हम पेशी बोलते हैं, कोशिकाएं बोलते हैं। तो अगर उनको हम अच्छा खाना दे, और सुबह में अपने ब्रेन के जो सेल्स रहते हैं उनको भी एक अच्छा खाना लगता है अगर हम उसे दे दें, तो हमारा शरीर बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी रहेगा, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। और आफ्टर द एक्सरसाइज जो हमारे मसल्स रहते हैं उनकी, अगर उनको आप न्यूट्रिएंट से उनकी भूख मिटाई जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से मसल गेन भी होने लगता है। तो अपना जो फॉर्मूला 1 है, ये दुनिया का नंबर 1 आइडियल मील रिप्लेस प्रोग्राम है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। लो इन कैलोरीज है और इसमें 18 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, विटामिन एंड मिनरल्स है। तो 18 इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स मतलब क्या? इसेंशियल का अर्थ है हमारे शरीर को तो लगता है लेकिन हमारे शरीर में बनता नहीं है, तो हमें उसको बाहर से लेना पड़ता है, फूड में से लेना पड़ता है या अपने खान पान से लेना पड़ता है। तो ये जो अपने बॉडी को मेटाबोलिज्म के लिए हर एक सेल को जो मिनरल्स एंड विटामिन्स लगते हैं वो ये फॉर्मूला 1 से मिलते हैं। और ये एक सर्विंग जो होता है हमारे फॉर्मूला 1 का, मतलब एक शेक जो रहता है अपना, वो लगभग 94 कैलोरी तक बन जाता है। और ये सेल को अच्छा खान पान है और वेट मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ही एक अच्छा तरीका है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। ये एक आइडियल मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है, इसमें सोया प्रोटीन, आइसोलेट बेस्ड प्रोटीन रहता है, हाई क्वालिटी ऑफ डायट्री फाइबर रहता है एंड एंटीऑक्सीडेंट रहता है। अभी निर्मला मैम ने एक बात बोली है ना, आपने सुनी क्या? तो बासुंदी वाली चाय अगर पी ले तो आपके अतड़ में जाके वो चिपक जाती, मतलब आपके इंटेस्टाइन के अंदर एक विलाय लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब अपनी उंगली की तरह कुछ ऐसे विलाय अंदर लटकते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन डालते हैं उसको अब्सॉर्ब करने का काम करता है। दूसरा चीज, अगर हमारे शरीर में कुछ मल है या जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको आगे ढकेलने में मदद करते हैं। तो इसके लिए मदद करने के लिए और उनको अच्छा रखने के लिए क्या जरूरी होता है? फाइबर। तो जैसे हम दांत घिसते हैं, अभी दंत धावन के बारे में अपने डॉक्टर नर्मला मैम ने बोला है, तो दंत धावन कैसे करते हैं, दांत घिसते हैं, उसी तरीके से वो फाइबर विलाय को क्लीन करते हैं ताकि वो विलाय अच्छी तरीके से मूवमेंट करती रहे और अच्छी तरीके से उसका काम करते रहे। ये लो इन कैलोरीज है, इसमें फैट है सम अमाउंट, हेल्दी फैट है ऐसा मैं बोलना चाहूंगी, सम अमाउंट में सोडियम है, और इसमें 19 इसेंशियल विटामिन मिनरल्स एंड नेचुरल हर्ब्स है। ये कोर प्रोडक्ट है अपना सेलुलर न्यूट्रिशन का। वेट मैनेजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। और एक बात है कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है,
तो ये बहुत अच्छी तरीके से जो डायबिटीज वाले लोग रहते हैं उनको हेल्प करता है उनका शुगर लेवल मेंटेन करके रखने के। यहाँ पे हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम यहाँ पे किसी भी तरह की बीमारी को डायग्नोस या ट्रीट करने का दावा नहीं करते, लेकिन हम मील रिप्लेसमेंट करते हैं, उनको अच्छी तरीके से कैलोरी मैनेजमेंट सिखाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करवा कर लेते हैं, हेल्थ के बारे में नॉलेज देते हैं, और उसकी वजह से उनका बहुत अच्छी तरीके से ये हेल्दी चाय और नाश्ता के साथ सकस संतुलित आहार के साथ उनका रिजल्ट आता है। तो ये फॉर्मूला 1 में भी बहुत डेलिशियस फ्लेवर है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। आज मेरा है चॉकलेट प्लस पान, मुझे ये फ्लेवर पसंद आया। फिर मैं कभी कभी स्ट्रॉबेरी कुल्फी दोनों मिक्स करके लेती है, मैंगो है, ऑरेंज है, रोज खीर है, अमेजिंग ऑरेंज फ्लेवर है। इस तरीके के अलग अलग फ्लेवर्स हमारे फॉर्मूला 1 में उपलब्ध है, तो आप उसको सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं या उसको आप मिक्स करके भी ले सकते हैं। जो हमारे वेट लॉस मैराथन पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम एडवाइस करते हैं, अगर आपको आपका हेल्थ गोल अचीव करना है तो आपने SMS प्लान फॉलो करना है। यस, और आपको आप कल जो सेशन होने जा रहा है जिसको आंसर लेने वाले हैं कैलोरी मैनेजमेंट, उसमें आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से कैलोरीज हेल्दी वे से मैनेज करनी है और किस तरीके से इस SMS प्लान को फॉलो करना है। यस, और दूसरा चीज है, हम जब शेक बनाते हैं तो उसमें हम फॉर्मूला 1 तो डालते ही है, 3 TSR, और आपका कोच और एक चीज डालने को बोलता है जिसे बोलते हैं हम प्रोटीन पाउडर। तो ये जो है ये परफेक्ट ब्लेंड है, ये हमारे डेली जो नीड है शरीर का उसको कंप्लीट करता है। भाई आप बोलोगे मैम ये क्यों लेना है, ये क्यों लेना, मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आजकल का जो सिनारियो है, केमिकल फर्टिलाइजर युक्त अन्न है अपना, सॉइल में फर्टिलिटी बची नहीं है, उतना कस नहीं है, तो वही उसी जमीन में से उगने वाला जो अन्न है वो भी निकस अन्न होते जा रहा है। और अगर हमें इतना सारा विटामिन मिनरल इसेंशियल अमाइनो एसिड्स अगर चाहिए तो हमें बहुत बड़ी परात लेके, बहुत बड़ा डिश लेके उसमें 7 to 9 colors के फ्रूट अलग अलग और अलग अलग वेजिटेबल्स लेने पड़ेंगे। क्या आप लोगे, क्या आप उतना खा पाओगे एक टाइम पे? नहीं खा पाओगे, लेकिन आपके शरीर को तो लगता है। इसके लिए हमें ये आइडियल मील रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है शरीर को। यस, इसमें सोया एंड वे प्रोटीन है, अपना जो प्रोटीन है तो उसका जो है पेडिकास स्कोर जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन डाइजेस्टेबल अमाइनो एसिड स्कोर है नंबर 1 है। तो मतलब लेटे हुए पर्सन जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है उसको भी ये इजिली पच जाता है। इसको हम गर्म यूज कर सकते हैं, ठंडा यूज कर सकते हैं, आप चपाती में भी उसको डाल सकते हैं अगर आपके बच्चे ले रहे नहीं है, और आप उसको खीर में भी डाल सकते हैं या आप उसको छाछ में भी डाल के ले सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से और अमेजिंग इसका ये होता है, और 9 essential अमाइनो एसिड है इसमें। तो एक स्पून जो रहता है अपने प्रोटीन पाउडर का उसमें 5 ग्राम प्रोटीन रहता है, और ये फैट फ्री प्रोटीन है, ये 20 calories इससे जाते हैं। अभी ये प्रोटीन में डिफरेंस क्या होता है ना, अब कोई कोई लोग जो जिम में जाते हैं वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन लेने की कोशिश करते हैं, और जो हम ले रहे हैं ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तो अपना ये जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, मैंने बताया आपको उसका पेडिकास स्कोर 1 है, तो इजिली डाइजेस्टेबल है। तो जो ब्रेड रिडन पेशेंट्स है उनको भी ये चल जाता है, इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। और ये जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है ये पचने के लिए जड़ रहता है, तो इसको एक्सरसाइज का जोड़ देना पड़ता है। दूसरा चीज कि अपना ये जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ये फैट फ्री प्रोटीन है, और एनिमल प्रोटीन जो रहता है उसमें फैट रहने की शक्यता बहुत ज्यादा रहती है। यस, और अभी हमें कितना चाहिए प्रोटीन है ना, तो आपके जो कोच है उन्होंने आपका वेलनेस स्कैन करड़ा स्कैन मशीन पे किया होगा। तो यस, अगर मेरा वेट 58 kg है तो मुझे 58 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, तो मैंने उसको किस तरीके से लेना चाहिए, डिवाइडेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो 29 ग्राम मैंने मॉर्निंग का जाना चाहिए और 29 ग्राम मैंने इवनिंग का जाना चाहिए। ओके, इस तरीके का प्रोटीन हमें लेना है। यस, और ये क्या करता है प्रोटीन, तो हंगर को कंट्रोल करता है और फैट को बर्न करता है। यस, तो ये भी चीज बहुत जरूरी है ना, नहीं तो भूख के इसमें हम कुछ भी खा लेंगे। और एक दूसरा चीज जरूरी है जो मैं आपको एक स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यस, तो ये रहा, तो ये हमारा ये जो नाश्ता ये क्या करता है, ये ऑप्टिमम न्यूट्रिशन देने की कोशिश करता है, और ये जो नाश्ता है सेलुलर साइंस पे बेस्ड है। इसके जो हमारे नाश्ते की जो कंटेंट है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला 1 प्रोटीन एंड शेक मिल्क, ये जो है ये साइंटिफिकली बेस्ड सेलुलर न्यूट्रिशन है, और इसको इन्वेंट किया है डाइटिशियंस न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइंटिस्ट ने। यस, तो ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट है जो डॉक्टर लोग जो रहते हैं साइंटिस्ट रहते हैं
उन्होंने इन्वेंट किया है और उनको नोबेल प्राइज भी मिला है इसके लिए। यस, और आपका जो पर्सनल न्यूट्रिशन नीड क्या है वो भी आपने समझना चाहिए। अभी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी बोलती है कि आपके आहार में 40% कर्बोदक, 30% फैट और 30% आपको प्रोटीन होना चाहिए। तो आपका डिश दिन में उसी तरीके से बनना चाहिए। इसमें आपको विटामिन मिनरल्स भी लगते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी लगते हैं। हमने अभी बहुत ही अमेजिंग तरीके का एक्सरसाइज किया है ना, तो उस तरीके का एक्सरसाइज भी लगता है, रेस्ट लगता है और प्रॉपर वाटर इंटेक भी रखता है। अभी डॉक्टर निर्मला मैम ने आपको बोला है ना कि प्रॉपर वाटर इंटेक भी रखना है, तो कितना लेना है, तो 20 kg/L पर बॉडी वेट आप उसको ले सकते हैं। यस, इस तरीके का रहता है। और एक इसमें इंग्रेडिएंट है, यस, वो है अपना शेक मेट, है ना। तो आप बोलोगे अब ये क्या है, तो ये शेक मेट नाम से ही पता चलता है, तो अपने ये शेक का मेट है ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। तो इससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है अपने शेक का। और ये आप जो आपको आपके कोच बताते हैं, तो 3 चम्मच फॉर्मूला वन, और आपके वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन को 1, 2 या 3 TSF बताते हैं। और शेक मेट के आपके डाइजेस्टर और सब चीजें ये करके आपका कोच डिसाइड करता है कि 2 TSF शेक मेट देना है या 1 TSF शेक मेट देना है। यस, तो ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ लैक्टोज देता है स्किम मिल्क के कंपैरिजन में। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है और इसमें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है, जैसे कि मैंने बोला पीडीका स्कोर, और इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है जो हमारे शरीर को लगता है, और इसमें नेचुरल स्वीटनर है जिसे हम बोलते हैं स्टीविया। यस, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और यस इजी हो जाता है हमें प्रिपरेशन के लिए। तो ये शेक मेट के ना आप गुलाब जामुन बना सकते हैं, हेल्दी गुलाब जामुन जैगरी और शेक मेट डाल के। यस, फिर आप इसका खीर में भी यूज कर सकते हैं, आप उसको ना बहुत अच्छे तरीके से शीरा में भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने किया था जब हमारे क्लब का ओपनिंग था। तो यस, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। यस, तो आगे जाएंगे अभी हम डॉक्टर निर्मला मैम के पास। यस, ओवर टू डॉक्टर निर्मला मैम। यस, थैंक यू डॉक्टर रमा मैम, आपने हमें नाश्ता करवा दिया है और आप जो नाश्ता ले रहे हैं मैं भी ले रही हूँ। ये मेरा चॉकलेट फ्लेवर है और बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर है, मुझे बहुत पसंद आता है। और ये फ्लेवर और क्या करता है कि जो डायबिटिक पर्सन है, अगर उन्हें हमें ये सजेस्ट करते तो इसमें क्रोमियम की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उनका शुगर भी कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। मुझे कोई डायबिटीज नहीं है लेकिन फिर भी मुझे अलग अलग फ्लेवर पसंद आते हैं तो मैं अलग अलग फ्लेवर ट्राई करते रहती हूँ। और हमारे बच्चों को तो डायनो शेक में जब हम अपना चॉकलेट फॉर्मूला वन ऐड करते हैं और शेक में ऐड करते हैं तो बच्चे की जो क्रेविंग रहती है चॉकलेट खाने की वो अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि ये मेरे घर में मैं देखती हूँ मेरे बच्ची के लिए। तो आप भी अपने बच्चों को, जैसे मैम ने वेट लूज करने के लिए बताया है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वेट मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पे आपको हेल्प करता है। कोई व्यक्ति की नीड होती है वेट गेन करने के लिए तो उसको भी हम एक पर्सनलाइज वे से आपका फॉर्मूला डिजाइन करते हैं और आपको गाइड करते हैं। और हमारे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं कॉलेज में जाते हैं तो डेफिनेटली अपना शेक उनको हमने देना चाहिए ताकि उनका ग्रेस्पिंग पड़े बढ़े और उनकी जो प्रोडक्टिविटी रहती है, पढ़ाई करने की जो क्षमता रहती है वो भी बढ़ जाती है, जो खुद के घर में मैंने देख लिया है। यस, थैंक यू डॉक्टर रमा मैम कि आपने न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट तो हम सभी को करा दिया है। उसके बाद में हम नहाते हैं तो नहाना भी एक प्रोसेस है, साइंटिफिक वे से अगर हम इसे नहाते हैं तो उसका हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। तो सभी को पता है कि जब हम नहाते हैं तो हमने बहुत गर्म नहीं और बहुत ठंडा नहीं ऐसे पानी से नहाना चाहिए, कुनकुने पानी से नहाना चाहिए। अगर ठंडी का सीजन है तो थोड़ा गर्म ज्यादा रह सकता है, लेकिन गर्मी के सीजन में तो हमने नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से ही नहाना चाहिए। एक ही तरह से नहाया जाता है तो हमने सबसे पहला मग कहाँ पे डालना चाहिए ताकि हमारे बॉडी के जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो, उसका भी एक साइंटिफिक वे है। तो मैं सभी के साथ में यहाँ शेयर करूंगी कि जब भी हम नहाने के लिए जाते हैं तो पहला पानी का मग जो होता है वो हमारे नाभि के ऊपर डालना चाहिए। लोग बोलेंगे अरे नाभि के ऊपर, क्या उसका एक दूसरे के साथ में रिलेशन है? तो यस, डेफिनेटली इसका कनेक्शन है। सभी को पता है कि जब हम हमारे माता के गर्भ में रहते हैं तो हमें जो भी खाना पीना मिलता है या जो भी सेंसेशन मिलते हैं वो सभी कुछ नाभि के द्वारा ही हमें मिलते हैं, क्योंकि जो प्लासेंटा रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, जो प्लासेंटा के साथ में अटैच रहता है, वो
और हमारी जो नाभि है वहीं से वो स्टार्ट होता है और हमारे गर्भ की नाभि में जाता है, और वहीं से सब कुछ देवाण घेवाण जिसको हम बोलते हैं होती रहती है। तो एक कनेक्शन है, अपन म्हणतो की नाही नाळेचं कनेक्शन असतं, तो सेम कनेक्शन यहाँ पे भी होता है कि हमारे शरीर को उद्दीपित करने के लिए, हमारे सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए नाभि के ऊपर अगर हम पहला मग डालते हैं, चार पांच मग वहां पे डालते हैं, तो हमारी नाभि उद्दीपित हो जाती है और एक्टिवेट होने के लिए यहाँ पे हेल्प होता है। तो सभी ने इसी तरह से नहाना है, पहले नाभि के ऊपर आप पानी डालेंगे, फिर अपने घुटनों के ऊपर डालिएगा, फिर उसके बाद में हमारे कंधों के ऊपर पानी डालेंगे, और फिर हमारा सिर, आखिरी में हमारे सिर को हमने एक्टिवेट करना है, क्योंकि ब्रेन एक हमारा सुपर कंप्यूटर है ना। जैसे कोई भी कंप्यूटर हम ऑन करते तो तुरंत चालू हो जाते हैं क्या, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं, पहले वो हम चालू करते हैं, फिर उसका इग्निशन ऑन करते हैं, फिर हम उसका स्टार्ट बटन दबाते हैं, धीरे धीरे स्क्रीन के ऊपर फिर आइकॉन्स आते हैं, और उसके बाद में जिस जो वर्क हमें करना है वो हम करते हैं। तो सेम हमारे प्रोसेस बॉडी में भी होता है, इसी तरह से अगर अपना आएंगे तो आपका जो सुपर कंप्यूटर जो ब्रेन है वो भी एक्टिवेट होकर अपना काम अच्छे से कर पाता है। तो ये हम नहाते हैं, नहाते समय बहुत से लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ आपको बोलेंगे कि आप अगर साबुन के बजाय, क्योंकि साबुन में क्या होता है सिर्फ झाग होता है, साबुन के बजाय जो उपटन, उपटन जिसको हम बोलते हैं उटने मराठीत म्हणतो तो अपन, कि जो हम ठंडी में ही लगाते हैं या दिवाली के सीजन में लगाते हैं, तो ऐसा ना करके वो उपटन या उटना जो रहता है, एक बॉटल में आप भर लीजिएगा, या फिर अपनी मसूर की दाल जो होती है उसको आप पीस कर लाइए, या फिर घर में जो बेसन का आटा रहता है, चना दाल का आटा रहता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर दीजिएगा, ये दो चीजें आप बाथरूम में रखिए और उसको पेस्ट बनाइए और अपने शरीर के ऊपर घसीएगा, तो इससे क्या होगा, तो स्क्रब होगा, उसी के साथ साथ जो आपकी स्किन है वो फिर से रेडिएट करेगी, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है, जो तेल है, वो उसमें से एब्सॉर्ब होगा, बॉडी के अंदर जाएगा, और आपकी जो भी रक्त वाहिनियां है उसका प्रवाह वहां पे बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करता है। इस तरह से अगर आप नहाएंगे तो कुछ दिनों के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो स्किन है वो ग्लो करता है, उसी के साथ साथ न्यूट्रिशन को भी, यानी न्यूट्रिशन कौन सा दे रहे हैं हम, तो तेल के द्वारा, तेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी के लिए, तो वहां से एब्सॉर्ब होकर आपके जो स्वेट ग्लैंड है उसके थ्रू, और बॉडी की जो स्किन है, जो ऊपर की लेयर होती है स्किन की है ना, डर्मिस, तो इसको न्यूट्रिशन देने के लिए भी आपको हेल्प कर सकता है। तो जिसको हम आयुर्वेद शास्त्र में बताया कि जो भ्राजक पित्त होता है, जो त्वचा का प्रसादन करता है, ऊपर की स्किन को ग्लो देने का काम करता है, तो वो भ्राजक पित्त वहां एक्टिवेट होगा और आपके स्किन का ग्लो बढ़ाएगा, और जो डेड सेल्स रहेंगे आपके स्किन के ऊपर वो पूरी तरह से निकल जाएंगे, और बॉडी फिर से अंदर से चमकना, बाहर से भी चमकना यहाँ स्टार्ट होती है। इस तरह से आपने नहाना चाहिए। उसके बाद में हम, उसके बाद जैसे हमने हमारा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट कर लिया, तो 2 से 3 घंटे तक हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। अगर आपको बीच में भूख लगती है तो अपने क्या खाना चाहिए, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं थोड़े से, या जो सीड्स हमारे बाजार में मिलते हैं उसको आपने लेना चाहिए उसके, और या फिर आप मखाना खा सकते हैं, जो काला चना रहते हैं जिसको हम फुटाने बोलते हैं ना, वो भी आप अपने साथ में कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, खादा फ्रूट कैरी कर सकते हैं, जैसे एप्पल है, चीकू, चीकू जिनको वेट लूज करना है उन्होंने इनिशियल डेज में नहीं लेना चाहिए, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, कम खाना है लेकिन कम क्वांटिटी में खाना है। और ये जो मैं तो ज्यादातर प्रिफर करती हूँ कि आप अपना जो चना रहता है भुना हुआ वो एक डब्बे में भर लेती हूँ, अपने पर्स में रख लेती हूँ, और मैं कहीं भी जाती हूँ जब भी मुझे भूख लगती है तो उसको मैं ग्रहण करती हूँ, क्योंकि ये ड्राई है, कहीं भी गिरने का डर नहीं रहता है, और इजिली हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम वाटर इंटेक भी करते हैं, इस तरह से वो शॉर्ट स्नैकिंग हम बोलते हैं वो करना चाहिए। फिर आता है हमारा मेन मील, ये हमने कौन से समय में लेना चाहिए, 12 से लेकर 1:30 बजे के बीच में हमने इसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा जो पित्त है वो अपने चरम सीमा पे होता है, यानी जैसे सभी को पता है कि 12 बजे की धूप जो रहती है कितनी तेज रहती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये जो सृष्टि है इसका ही एक छोटा रूप है, जैसे हमारी सृष्टि चलती है उसी के अनुसार इसका भी तंत्र चलता है, तो उस समय हमने हमारा लंच लेना चाहिए। तो लंच कैसा होना चाहिए, तो प्रजा की तरह, प्रजा की तरह यानी राजा एक ही है लेकिन
प्रजा बहुत सारी रहती है ना, उसको हमें संभाल के लेना होता है। तो हमारी जो थाली रहती है उसमें कार्ब रहने चाहिए, उसमें सिंपल कार्ब्स, उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, उसके साथ साथ हमारे खाने में कुछ प्रोटीन, फैटी एसिड्स, फाइबर्स, ये सभी कुछ रहना चाहिए। तो हमारी जो थाली रहती है बैलेंस डाइट रहना चाहिए। मॉर्निंग में तो हमने कर लिया, लो ग्लाइसेमिक फूड था वो, लेकिन दोपहर का खाना हम हमारे जो बीएमआर होता है उसको आप कैलकुलेट करिएगा और उसके अनुसार आप प्लान कर सकते कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अपना कितना कैलोरीज का रहना चाहिए, दोपहर का लंच कितना कैलोरीज का और रात का डिनर कितना कैलोरीज का लेना चाहिए, है ना। तो दोपहर के खाने में हमने क्या क्या लेना है, सबसे पहले तो हमने 25 से 35 ग्राम तक फाइबर लेना चाहिए। तो फाइबर में आप ले सकते हैं खीरा होता है जिसको मराठी में काकड़ी बोलते हैं, गाजर, मूली, टमाटो, ऑनियन, है ना, बीटरूट, इसको आपने आपके खाने में लेना चाहिए। जो स्लाइड्स के स्वरूप में नहीं खा सकते तो आप उसको कद्दूकस करके भी लेके खा सकते हैं, या फिर हमारे पास में एक बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन है जिसका नाम है एक्टिवेटेड फाइबर, है ना। ये टैबलेट फॉर्म में आता है और जो चबा नहीं पाते फाइबर को तो इसको वो ले सकते हैं, एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट को, ताकि आपके बॉडी के जो फाइबर की नीड है वो पूरी हो सके। क्योंकि फाइबर का क्या इम्पोर्टेंस होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनका पेट साफ नहीं होता है, और उसके साथ साथ अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो उन्होंने डेफिनेटली फाइबर को ऐड करना चाहिए। तो फाइबर दो फॉर्म में आता है, एक पाउडर फॉर्म में रहता है जिनको हम एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और हमारे शेक में ऐड करके ले सकते हैं मॉर्निंग के, या फिर आप सिर्फ पानी में घोलकर भी पी सकते हैं। तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर होने की वजह से पेट साफ होने के साथ साथ आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ गई है, लिपिड लेवल बढ़ गई है किसी का, जिसको हम लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो उसको एब्सॉर्ब करके वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए हेल्प करता है। फिर से डिस्क्लेमर दूंगी कि कोई भी मेडिसिन नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन अच्छा बॉडी में जाने की वजह से आपका ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए मदद करता है। किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आ चुका है, तो हमारे पास में एक और फाइबर युक्त न्यूट्रिशन है जिसका नाम है बीटा हार्ट। तो ये बीटा हार्ट में ओट बीटा ग्लूकान होता है जो हमारे हार्ट के अंदर, हार्ट की वेसल्स के अंदर जो कोलेस्टेरॉल या जो फैट चिपका हुआ होता है उसको निकालने के लिए हेल्प करता है, और अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा करने के लिए भी यहाँ पे हेल्प होती है। तो डेफिनेटली आपके जो कोच है उनको आपने, उनसे बात करना है, उनको पूछना है आप किस तरह का फाइबर आपके डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। फिर हमारी जो थाली रहती है, हम सजेस्ट करते हैं कि जिनको वेट लूज करना है उन्होंने ज्वार की भाकरी है, या फिर मिक्स जो आटा रहता है उसकी भाकरी बना के लेना है, या रोटी बना के लेना है। तो ज्वार की भाकरी क्या करती है, याम करने लगता है, हंगर को सेटिस्फाई कर, कम कैलोरीज देता है, साथ क्योंकि ग्रीन सब्जी से क्या होता है, फाइबर फिर से हमारे बॉडी में 30 ग्राम तक ही फाइबर का इंटेक हमने करना चाहिए। और एक हाथ आप उसल जिसको हम बोलते हैं पल्सेस ले सकते हैं, आप रोज अपने खाने में वरण जिसको हम बोलते हैं दाल बोलते हैं वो लेना चाहिए, सादी उबली दाल भी ले सकते हैं। और किसी को ऐसे लगता है कि हमने तड़का लगा के खाना है तो घी का तड़का लगा के आप खाइए, क्योंकि रोज के खाने में 1 चम्मच घी आपने बिल्कुल ऐड करना है, जो देसी गाय का घी होता है, क्योंकि बॉडी में उसमें से अच्छे वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। और जो खाना हम बना रहे हैं, जिस तेल में बना रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ एक चीज ऐड करूंगी कि जो लोग रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं उन्होंने रिफाइंड ऑयल का यूज यहाँ पे बंद करना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में सिर्फ केमिकल्स रहते हैं, कोई भी पोषण तत्व आपको नहीं मिलता है। तो मैंने मेरे घर का तेल चेंज कर दिया है, मैं लाकड़ी घाना जिसको बोलते हैं, कच्ची घानी का तेल मैं यूज करती हूँ। तो उसमें भी अलग अलग आप सोयाबीन ये कोई तेल भी नहीं है, तो बिल्कुल उसको किसी ने भी यूज नहीं करना है, तो वो सिर्फ केमिकल से बना हुआ तेल है। तो मैं यहाँ पे मेरे घर में सूरजमुखी का तेल यूज करती हूँ, या फिर मूंगफली का तेल, करड़ी का तेल, जवस का तेल, है ना, तिल्ली का तेल, नारियल का तेल आपके खाने में आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग एक साथ मिक्स करके भी यूज नहीं करना है, अलग अलग यूज करना चाहिए, आप बदल के यूज कर सकते हैं ताकि हर चीज आपके बॉडी में मिले।
और कच्चा अगर तेल हमें खाना है ऊपर से, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जो जवस तेल या अतसी का तेल, फ्लैक्स सीड्स तेल होता है जो कच्चे घानी में मिलता है, तो आप अपने सैलड के ऊपर ड्रेसिंग के लिए इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने ऑलिव ऑयल यूज करना चाहिए, तो मैं बोलूंगी हम इंडियन कॉन्टिनेंट में रहते हैं तो हमें ऑलिव ऑयल की कोई भी जरूरत नहीं है। हम हमारे यहाँ पे जो तेल भी निर्माण होती है, जिसको हम जवस बोलते हैं, फ्लैक्स सीड बोलते हैं हिंदी में, और कुछ नाम होगा तो प्लीज सजेस्ट करिएगा, तो इसको ड्रेसिंग के लिए आपने यूज करना है। कच्चा आप ऐड करके ले सकते हैं, बहुत से लोगों को उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कच्चा अगर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आप ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से आपके घर का तेल आपने बदल देना चाहिए। और इस तरह से अगर आप खाना बनाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा महंगा है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है। अभी मैं रोज यूज करती हूँ एज अ गृहिणी करके, तो आप भी बिल्कुल, जो भी औरतें हमारे कॉल पे है, जो भी मेरी बहनें हैं, मेरी भाभियां हैं, सभी ने इसको यूज करना है, ऐसे में बोलूंगी। और मेरे फ्रेंड्स हैं तो बिल्कुल आपके घर का तेल आप चेंज करिए, बहुत कम क्वांटिटी लगती है और बहुत अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये आप सब्जी हो गई, फिर दाल रोज यूज करना है, या फिर किसी भी प्रकार के जो कड़क धान्य रहती है, इसकी एक उसल आपने बनाने ही बनानी है। जो थोड़ा सा स्प्राउट्स अगर लाते हैं तो थोड़ा सा ही लाना है, बहुत बड़े बड़े स्प्राउट्स लाके नहीं खाना है, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे का कारण ये होता है कि आप जितना ज्यादा स्प्राउट्स निकालोगे वो उतना पाचन के लिए जड़ होते जाते हैं। तो मैं सभी को एडवाइस करूंगी कि आपने उसको उबाल लाके ही खाइएगा, कच्चा नहीं खाइएगा, क्योंकि जिसका डाइजेशन वीक है उनको तकलीफ हो सकती है। आपके खाने में रोज जवस की चटनी आप उसमें ऐड करिए, फिर आप फ्लैक्स सीड्स की चटनी खा सकते हैं, जिनको हाइपर एसिडिटी की तकलीफ नहीं है वो 2 लहसुन की कलियां खा सकते हैं कच्ची। अगर एसिडिटी की तकलीफ है तो आप उनको थोड़ा सा भूनकर खाइएगा, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी यहाँ मेंटेन होगा। तो इस तरह से पूरा थाली आपने खाना है। ये खाने के बाद क्या होता है कि हमें सुस्ती आ जाती है, बहुत से लोग खाने के बाद में उनको नींद आती है, सोते हैं, तो जिनको भी वेट लूज करना है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोना है, तो किस तरह से नींद भगाई जाए, ये भी मैं यहाँ आपके साथ में शेयर करूंगी। कि जो हमारा अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक होता है, ये खाने के आधे घंटे बाद नींद आती है, तुरंत नहीं आती है, तो आधे घंटे बाद फिर से आपने अफ्रेश को गर्म पानी में ऐड करना है और इसको लेना है, तो धीरे धीरे आपकी नींद भी भाग जाएंगी और आपका फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और आपका वेट कंट्रोल करने में भी हेल्प होगा, और उसी के साथ साथ एनर्जी भी आपकी बढ़ाएगा। जो भी आप काम कर रहे, कोई ऑफिस में कर रहे, कोई घर में कर रहे, तो एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको ये हेल्प करता है। तो इस तरह से आपने अपना दोपहर का रूटीन रखना चाहिए। और जो वेट गेन वाले लोग हैं, तो उन्होंने क्या करना है, खाने के बाद में आधा घंटा बिल्कुल रेस्ट करना है, सो जाना है, उन्होंने उनके खाने में चावल भी ऐड करना है जिनको वेट गेन करना है। तो सभी लोगों को मैं बोलूंगी कि चावल भी कौन सा लेना चाहिए, तो जो ब्राउन राइस होता है उसको आपने लेना चाहिए, क्योंकि वो छिलका युक्त रहता है, तो आपको फाइबर्स उसमें अच्छे जाएंगे और लो ग्लाइसेमिक रहता है, तो सभी ने इस तरह से फॉलो करना चाहिए। फिर हम शाम होते होते शाम की तरफ चलते हैं, तो हाँ जैसे हम 4 बजे बज जाते, 5 बज जाते, फिर से हमें थोड़ा सा भूख लग जाता है, उस समय शॉर्ट स्नैकिंग आप कर सकते हैं, फ्रूट खाइए, काला चना खाइए या मूंग की उसल खा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात मेरी छूट गई है कि आपके खाने में जिनको वेट गेन करना है उन्होंने दही ऐड करना है, और जिनको वेट लूज करना है उनको उन्होंने खाने में छाछ डेली ऐड करना चाहिए। डेली डेली किस लिए ऐड करना है, क्योंकि प्रोबायोटिक आपको इसके इससे दही से और छाछ से मिलते हैं, तो आपका पाचन तंत्र यहाँ सुधारता है, सुधारने में मदद होती है। फिर इवनिंग में भी आप शॉर्ट स्नैकिंग कर सकते हैं, हेल्दी स्नैकिंग करिएगा, और जो अपना अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक है वो इवनिंग में भी आप घर आने के बाद लीजिए, आप ऑफिस में है तो वहां पे भी ले सकते हैं, ताकि आपकी फिर से एनर्जी बढ़े। और जो खाना हमने दोपहर में खाया है उसमें से कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में गए हैं, तो डिटॉक्सिफाई करने के लिए फिर से आपको हमारा अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक यहाँ पे आपको हेल्प करता है। और रात का खाना जो हम खाते हैं, तो बिल्कुल फकीर की तरह खाना चाहिए, एक बाउल में जितना आए उतना ही खाना है, लेकिन डिलीशियस और न्यूट्रिशियस रहना चाहिए। तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि जिनको वेट लूज करना है तो वो अपना शेक फिर से ऐड कर सकते हैं, अपने कोच की सलाह से, और या फिर शाम का खाना 7 बजे के पहले खाना चाहिए,
ताकि हमारी जो अग्नि है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो पचाने के लिए इजीली डाइजेस्टिबल फूड अगर आप खाते हैं तो आप सुबह उठने के बाद दूसरे दिन आपको बहुत अच्छी एनर्जी रहती है, फिटनेस रहता है। तो इस तरह से आप शाम का खाना खाइए और रात में सोने के पहले आप आपकी जो नाभि है उस नाभि के अंदर तेल लगाइएगा। तो क्या होगा कि जब भी मैंने बोला कि नाभि जो है वो एब्सॉर्ब करती है, आपके पाचन तंत्र को उद्दीपित करती है, तो नाभि में आप घी या तेल लगा के सोते हैं तो आपकी जो पाचन तंत्र है वो तो अच्छा रहता है, बॉडी भी बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रहने के लिए यहाँ मदद होती है। हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि आपके बॉडी का मॉइस्चर रिटेन करने के लिए आपको यहाँ हेल्प होती है। और अलग अलग प्रकार के आप तेल अगर यूज करते हैं, जैसे ये नारियल का तेल है, तो अगर वो आप नाभि में लगाते हैं तो जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनको बहुत अच्छे से हेल्प होता है। अगर जिनको बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, ज्वाइंट पेन है ना, तो वो सरसों का तेल लगा सकते हैं। या फिर रात में सोने के पहले ना आप 1 चम्मच नारियल तेल जो कच्ची घानी में मिलता है उसको आप पीजिएगा, और उसके ऊपर से कुनकुना पानी या गर्म पानी पीजिएगा। तो जिनको भी ज्वाइंट प्रॉब्लम है वो ज्वाइंट प्रॉब्लम्स कम होने के लिए हेल्प होती है, ज्वाइंट हेल्थ उनके सुधारने के लिए मदद होती है। और आपके बॉडी का जो हाइड्रेशन है, स्किन का मॉइस्चर है, वो रिटर्न करने के लिए भी आपको यहाँ हेल्प होती है। और आप सोने के पहले 1 घंटे पहले आपने जो भी डिवाइसेस है, गैजेट्स है, जो टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, स्क्रीन है, मैं बोलूंगी उसको बिल्कुल शट डाउन कर दीजिएगा। और आपकी पसंद की जो चीजें है, जैसे किसी को बुक रीड करना अच्छा लगता है, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, तो वो चीजों को आपने एड ऑन करना है, ताकि आप स्क्रीन से दूर जाएंगे तो आपकी नींद आपके पास में आएगी। और रात में 7 से 8 घंटे अगर आप सोते हैं, गहरी नींद सोते हैं, तो दूसरे दिन आपको फ्रेश एंड एनर्जेटिक फील होता है। और फिर से मॉर्निंग जो रहती है 10 बजे के पहले या 10 बजे तक हमने सोना चाहिए, और मॉर्निंग की शुरुआत हम 5 बजे से उठते हैं, या 4:30 से लेकर 5 बजे तक का जो समय रहता है इसको हम ब्राह्मी मुहूर्त कहते हैं। उसी समय अगर हम उठते हैं तो हमारी जो वाइटैलिटी है वो बढ़ जाती है, हमारी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय वातावरण में जो ओजोन का लेयर रहता है जिसको हम जीवनीय शक्ति कहते हैं वो बहुत ज्यादा रहती है। उस समय आप मेडिटेशन करिएगा, ध्यान करिएगा, जो चीजें आप दिन भर में करना चाहते हैं उसकी टू डू लिस्ट बनाइएगा और एग्जीक्यूट करने के लिए विजुलाइज करिएगा, तो बिल्कुल आपके वो दिन में जो आप मॉर्निंग में जो करते हैं विजुलाइजेशन, वो आपका दिन में वो पूरा हो जाता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल भी इस तरह से आप करते हैं तो रात में सोने के पहले आपने फिर से ब्रश करना है, आपके स्किन को अच्छे से तेल का मसाज करिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद वो उठने तक के तेल एब्सॉर्ब हो जाता है। आपकी जो मैं बोलूंगी जो नाक नाकपुड़ी जला मंडो है ना, तो उसमें नस से करिएगा, सिर्फ ऐसे उंगली में आप तेल लगा लीजिए और उसमें इस तरह से लगा लीजिए दोनों भी नाकपुड़ियों के अंदर। तो क्या होगा कि जो वहाँ की जो म्यूकोजा है वहाँ पे भी मॉइस्चर रिटेन होगा। म्यूकोजा अगर अच्छे से मॉइस्चराइज है तो क्या होता है कि जो अभी सभी को पता है कि इस सीजन में संक्रमण काल चल रहा है, ऋतु बदल का काल चल रहा है, उससे हमें बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, कुछ भी बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, उसके द्वारा अंदर जाते हैं तो वहीं पे रुक जाते हैं और अंदर नहीं जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे हम पहले सभी को पता है कि जो छोटा बच्चा रहता है ना, तो हम क्या करते हैं कि उसको मालिश करते, उसके नाक में तेल डालते हैं, फिर उसको थोड़ी देर के लिए हम सुला देते हैं और फिर उसका उसको नहा उसको स्नान कराते हैं ताकि उनके मसल्स भी स्ट्रांग हो। ये सभी चीजें हम फॉलो करते हैं तो मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं और उसी के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो इस तरह से अगर आप अपना दिन का रूटीन फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे और बहुत अच्छे से हेल्दी हैप्पी रहने के लिए हमें यहाँ हेल्प होगा। तो ये हमारी है दिनचर्या जो लोग हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी जो भी डिसीजेस थे, डिसऑर्डर्स थे, वो दूर हो चुके हैं और उसी के साथ साथ हम हेल्दी और हैप्पी हो चुके हैं, तो आप भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल अपने वेलनेस कोच से संपर्क करिएगा, हेल्दी और हैप्पी कैसे होना इसके बारे में आपको गाइड करेंगे। तो आज का सेशन जिन्होंने यहाँ पे सुना है उन सभी को मैं थैंक यू कहूंगी, और कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल डेफिनेटली यस पूछिएगा। और कुछ थैंक यू चीजें मैं सो ऐड मच। करना चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत है तो।
यस मैम, तो यस अगर आप फैट डेफिनेटली। लॉस का जर्नी जैसे कि मैम ने अभी बताया है कि किस तरीके से लेना चाहिए, यस एंड तक मतलब दिन में सोने तक किस तरीके से क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, तो यस दरम्यान भी, और मैं एक फॉर्मूला टू के बारे में बताना चाहती हूँ आपको, तो जिसे हम बोलते हैं मल्टी विटामिन। तो यस ये क्या करता है, तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है, और अपनी ये जो आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है ना, पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, हम सन में जाके बाहर काम करते हैं, तो उस दरम्यान हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं जो हमारे शरीर के लिए घातक रहते हैं, बॉडी का एजिंग तो बढ़ाते ही है, साथ ही साथ में आपको कैंसर की तरफ लेके जा सकते हैं, या फिर आपके जो बीमारी मतलब जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है वो भी बढ़ सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन। तो यस इससे अगर आपको बचना है तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है अपना फॉर्मूला टू मल्टीविटामिन, इसको आपने अपनाना पड़ेगा। तो इसमें 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट हैं, जिनमें फोलिक एसिड, कैल्शियम एंड आयरन भी है। इसके लिए हम अगर प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आते हैं तो ये जो प्लांट बेस्ड फोलिक एसिड, कैल्शियम और आयरन वाला टैबलेट है वो हम एडवाइज करते हैं, क्योंकि जो बाकी का केमिकल वाला जो एलोपैथिक दवा रहता है तो वो शरीर के लिए नया रहता है, तो उसमें का अब्सॉर्प्शन उतना परसेंट तक नहीं होता है जितना ये होता है, क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म में है और प्लांट बेस्ड मल्टी विटामिन टैबलेट है। यस ये वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, तो जिसे अच्छी तरीके से और अच्छे तरीके से फैट लॉस करना है वो जरूर ये मल्टी विटामिन का टैबलेट यूज कर सकता है। आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो आपका शरीर का कैल्शियम का और विटामिन का नीड बढ़ जाता है, और इसके लिए आपने ये सप्लीमेंट लेना चाहिए। यस फिर जाते हैं हम सेलुलोज की तरफ। यस तो ये भी एक अमेजिंग सप्लीमेंट है ऐसा मैं बोलना चाहूंगी, तो ये तो मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे मेरा पेट कम करना है ना, फैट लॉस तो मैंने कर लिया है, पेट और भी मुझे कम करना है, मैंने 8 इंचेस से घटाया लेकिन और घटाना बाकी, क्योंकि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट, और जितना बड़ा पेट का गहरा रहता है उतना डायबिटीज और हाइपरटेंशन के चांसेस बहुत सारे होते हैं। तो इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम, पोटेशियम भी है और सोडियम भी है, और साथ ही साथ में जो जेमिस हम जिसे बोलते हैं, या कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं, तो ये क्या करता है, इसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टीज है, मतलब ये क्या करता है, तो यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करता है, और एक्सेस वाटर, बैड वाटर जो हमारे सेल में जमा होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। अगर किसी तरीके की सूजन आ रही है, दूसरी चीज ये है कि ये किडनी के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, ये यूरिन फ्लो को बढ़ाता है और टॉक्सिन्स को बॉडी को बाहर फेंकने में मदद करता है, फिर ये सेलुलॉइड को डिजोल्व करने में हेल्प करता है, और ब्लड का लेवल मेंटेन रखने में भी इसका रोल है ऐसा बोला जाता है। फिर इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, अगर आपके शरीर पे कहीं किसी भी जगह पे फैट जमा हो रहा है या सेल्यूलाइट हो रहा है तो ये कम करने में इसको मदद करता है। यस तो इस तरीके का इसका प्रॉपर्टीज है। कॉर्न सिल्क जो है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, सूट करने के लिए, तो यस आप डेफिनेटली ये जो सेल्यूलोज टैबलेट है उसका फायदा आप उठा सकते हैं, और ये जो है ये लेवल मेंटेन करके रखता है सोडियम एंड पोटेशियम का, तो इसकी वजह से फ्लूइड लेवल भी अच्छा रहता है और वेट लॉस और इंच लॉस होने में ये मदद करता है। यस और जो है नेक्स्ट है अपना सेल एक्टिवेटर। यस ये भी बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट ऐसा मैं बोलना चाहूंगी, तो सेल एक्टिवेटर के बारे में आपने कभी सुना होगा आपके कोच के मुंह से। यस तो इसमें अल्फा लाइपोलिक एसिड एंड प्रोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है, तो ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और एलोवेरा अलग का भी एक्सट्रैक्ट है, और ये जो है ये सेल को एक्टिव रखने की कोशिश करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना बॉडी में तो उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करने में भी ये हेल्प करता है, तो यस ये जो फ्री रेडिकल्स है उसको भी ये रोकता है, तो यस ये हेल्थ देने में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। यस नेक्स्ट आता है अपना ये हर्बल कंट्रोल। यस तो जिसका वेट ज्यादा है ना तो वो लोगों को, और जिनका बीएमआर लो है तो वो लोगों को ये लेना ही पड़ता है हर्बल कंट्रोल। यस तो ये जो है इसमें रहता है ब्लेंड ऑफ ग्रीन, ब्लैक एंड ओलोंग टी का है, और इसमें कैफीन भी कंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है और एनर्जी को बढ़ाता है और अलर्टनेस को भी बढ़ाता है, और ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के बाद जो कैलोरीज बर्न का रेट होता है वो बढ़ जाता है, और हमारा हेल्थ गोल हमें अचीव करने में बहुत अच्छी तरीके से मदद होती है। यस और बहुत ही अच्छा अमेजिंग इन्फॉर्मेशन बताया है डॉक्टर निर्मला मैम ने। यस अभी कोई लोग ऐसे हैं जिनको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो बिल्कुल भी पूछ सकते हैं। यस ओवर टू सुचिता मैम। यस थैंक यू।
यस थैंक यू सो मच डॉक्टर रमा मैम एंड डॉक्टर निर्मला मैम, बहुत ही अमेजिंग सेशन लिया है आज आपने, और फिर से एक बार रिवाइज हो गया है मेरे लिए कि अब क्या क्या करना है। क्या होता है ना, हम जब फर्स्ट मंथ में हमारा चालू हो जाता है आइडियल दिनचर्या, उसके 10 to 15 days हम सभी चीजें फॉलो करते हैं और उसके बाद फिर से भूल जाते हैं, तो मुझे फिर से रिवाइज हो गया है। और एक आज बहुत अच्छा पॉइंट पता चला डॉक्टर निर्मला मैम से कि जिनको वेट लॉस करना है उन्होंने दही की जगह छाछ कंज्यूम करना है, बहुत ही अच्छा पॉइंट था, थैंक यू बोथ। यस हर्षित सर, सच में बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर निर्मला मैम एंड डॉक्टर रमा मोरे मैम, क्योंकि जो पॉइंटर्स उन्होंने हमें आज दिनचर्या में दिए हैं वो सच में इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट हमारा चाय नाश्ता है उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। हमारे चाय और नाश्ते को जब हम अच्छी जोड़ देते हैं हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की, और जो निसर्ग के नियम हमें आज दोनों डॉक्टर्स ने बताए हैं, केवल उसी से हम लाइफ टाइम हेल्दी रह सकते हैं। ये ना ही केवल आपको वेट लॉस के लिए मदद करेगा, ना ही केवल आपको वेट गेन करने के लिए मदद करेगा, लेकिन लाइफ टाइम हेल्दी कैसे रहना है, मानो ये गुरु किल्ली हमें आज मिली है इन दोनों डॉक्टर्स के द्वारा। तो रियली सल्यूट टू यू फॉर अमेजिंग पॉइंटर्स, थैंक यू सो मच। आपके फीडबैक के लिए जाएंगे हमारे मेंटर और भाग्यश्री मैम की तरफ। यस डॉक्टर निर्मला मैम एंड डॉक्टर रमा मैम, इन्होंने फर्स्टली आनंद सर ने तो हमेशा की तरह वर्कआउट बहुत ही अच्छा लिया है, कपल कपल में साथ में बहुत मजा आता है। लेकिन आज मैंने मिस किया, स्कूल का फर्स्ट डे था श्रीरंग का, तो लेकिन मुझे देख के बहुत पसीना आ रहा था कि इतना मजा आ रहा था देखने के बाद भी, जो गाने वो लगाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद में रमा मैम और निर्मला मैम का सेशन, यानी मॉर्निंग में उठने के बाद जैसे ही हम जमीन पे पैर रखते हैं तो रात में बेड पे जाने तक हमने क्या क्या करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी है डॉक्टर निर्मला मैम एंड डॉक्टर रमा मैम ने। बहुत अच्छे पॉइंटर्स दिए हैं जो कि हमें लाइफ टाइम यूज होते हैं। अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, फिर भी ये पॉइंटर्स हमें हमेशा के लिए याद रहते हैं और अच्छे रहते हैं। और इसके साथ में अगर न्यूट्रिशन की जोड़ हो तो रिजल्ट तो डेफिनेटली आना ही है 100%। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दिनचर्या यानी मॉर्निंग में उठने से लेके रात में सोने तक क्या करना ही है तो मैम और मैम ने बताया है दोनों डॉक्टर मैम ने। लेकिन इसके अलावा गुड फैट्स क्या है, बैड फैट्स क्या है, प्रोटीन क्या है, कार्ब्स क्या है, ये सभी के बारे में हमें दिया वेट लॉस मैराथन में हमें ये नॉलेज मिलने वाला है, तो वो मिस नहीं करना है। इसीलिए हर एक ने वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करना था। ये तो बस ट्रेलर था, इससे भी और भी ज्यादा ज्यादा अलग अलग जानकारी सभी को मिलने वाली है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रमा मैम एंड डॉक्टर निर्मला मैम, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने गप्पे मारते मारते समझा के सेशन लिया है, थैंक यू सो मच। और मैं डॉक्टर रमा मैम एंड डॉक्टर निर्मला मैम से पूछना चाहूंगी कि इतना जबरदस्त आज का सेशन हुआ है, अगर किसी को अगर चाहिए तो क्या वो वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आज भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मैम? यस मैम, यस डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास में आई है, ये अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ही आपको ये आगे के सेशंस मिलेंगे। और आज का सेशन तो हमारे मेंटर सभी के लिए खुला रखा है उन्होंने, क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी को इसकी जानकारी मिले। तो बिल्कुल आज आपने कोच से कॉन्टेक्ट कर लिया, आज का ही लास्ट डे रहेगा, 11-12 बजे तक आप उनसे संपर्क करिए और वेट का वीडियो आपके कोच के पास में भेज दीजिएगा और डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे टास्क आना शुरू हो जाएंगे और इवनिंग का वर्कआउट तो पहले से हमारा स्टार्ट हो चुका है, और जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनको तो इसका लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। यस यस थैंक यू सो मच डॉक्टर निर्मला मैम, ये सभी डॉक्टर विनय मैम का हैंड रेज हुआ है उनकी तरफ जाएंगे। यस गुड मॉर्निंग ऑल। आज का वार्म अप वर्कआउट होस्टिंग अमेजिंग रहा है, मगर उसपे जो उसके बाद जो सेशन लिया है मैम ने दिनचर्या आइडियल दिनचर्या का, वो भी अमेजिंग ऐसा रहा है। और निर्मला मैम और रमा मैम की जुगलबंदी चल रही थी, एक के बाद एक बहुत सारा नॉलेज हमको मिला है।
थैंक यू कहना चाहूंगी मैं मेरे कोच डॉक्टर रमा मुरी मैम को एंड निर्मला मैम को. यस थैंक यू. यस थैंक यू सो मच डॉक्टर विनय मैम आपके फीडबैक के लिए. यस अब अगर अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है अभी जो मैम ने सेशन लिया है उससे रिलेटेड, या फिर किसी का बर्थडे एनिवर्सरी, और काफी नए लोग आज दिखाई दे रहे हैं उन्होंने भी बिल्कुल हैंड रेस करना है, हम सभी आपको वेलकम करना चाहेंगे. और आज हमारा जो मील प्लान सेशन है वेट लॉस चैलेंज पार्टिसिपेंट्स के लिए उन्होंने मिस नहीं करना है. अगले 21 दिन हमें क्या खाना है इस बारे में डॉक्टर निर्मला मैम गाइडेंस देने वाले हैं, तो देखिए शाम में 7 बजे रहेगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सभी ने ध्यान रखना है. और 6 बजे हमारा वर्कआउट रहता है. ओके यस अभी जाएंगे डॉक्टर आनंद सर की तरफ. यस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल. आज का जो दिनचर्या टॉपिक है कैसे हर एक ने अगर अगर लिया बदल बदल के तो कुछ ना कुछ नए पॉइंटर्स मिलते हैं. बहुत अच्छी जुगलबंदी थी और बहुत अच्छा सेशन रहा. और अगर हम तो ऐसे दिनचर्या सेशन, अगर ये जो हमारे वेट लॉस मैराथन के सेशन है अगर हर कोई ये अटेंड करता है, नोट्स निकालता है और वो पूरे तरीके से आत्मसात करके उसको आचरण करता है तो वो कभी बीमारी नहीं पड़ेगा. और एक आइडियल वेट के ऊपर आने के बाद एक आइडियल रूटीन उसका दिन का अगर रहता है तो वो शायद ही बीमार कभी पड़ेगा. इसलिए हम डॉक्टर होते हुए थोड़ा डरते हैं कि वेट लॉस मैराथन में ज्यादा नहीं बैठे, अगर बैठेंगे तो बहुत सारा उनको एजुकेशन मिलेगा और बीमारी नहीं पड़ेंगे. अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारे पास कौन आएगा, ऐसा भी लगता है कभी कभी. लेकिन चलिए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हर एक कोई समझो समाज में जितने लोग है उतने 0.001% भी लोग यहाँ पे ज्वाइन होते नहीं है वेलनेस को. और उसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते कि जो वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं करते. इसलिए जो भी कुछ होते उनका भला होता है, लेकिन जो नहीं होते वो सच में कभी ना कभी, जैसे बोलते ना कि जो अपने वेलनेस पे नहीं आते वो इलनेस के ऊपर जाते हैं और वो डॉक्टरों की लेबरेड एंड बटर रहता है. तो जिनको आगे चल के बीमार पड़ने के बाद जो शारीरिक मानसिक आर्थिक दृष्टि हम दुर्बल हो जाते हैं और 1-2 साल हम और अपना परिवार को आर्थिक दृष्टिया 1-2 साल पीछे ढकल के हैं, तो इससे बचना अगर चाहते हैं आप तो इन्वेस्टमेंट अपना वेलनेस के ऊपर कीजिए जिसकी वजह से आपको एक हेल्दी हैप्पी वेल्दी लॉन्ग लाइफ मिलेगा. यस थैंक यू वेरी मच. यस थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर आपके फीडबैक के लिए. यस आज का दिन तो बहुत ही जबरदस्त था. सुबह मॉर्निंग में जो मनीषा मैम ने जबरदस्त आज का वार्म अप लिया है, उसके बाद हमारा 4-in-1 वर्कआउट जो डॉक्टर आनंद सर एंड डॉक्टर रमा मैम, उसके बाद आज का जो सेशन है आइडियल दिनचर्या का उस पर तो चार चांद लगा दिए. तो सभी को थैंक यू कहेंगे. ये सभी सरोज मैम का हैंड रेज़ से बात करेंगे. मैम आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो अभी भी. गुड मॉर्निंग ऑल, अभी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है. ओके थैंक यू. मैं आज सुबह वर्कआउट के लिए तो ज्वाइन नहीं हुई थी पर खाली देख रही थी मैं आज, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है जरा. पर दोनों का जो सेशन हुआ निर्मला मैम और रमा मैम का बहुत अच्छा हुआ, बहुत सी मालूमात आज नई नई जानकारी मिली है. इस वजह से मैं अभी उस तरह से फॉलो करना चाहूंगी. तो थैंक यू रमा मैम एंड थैंक यू निर्मला मैम, थैंक यू फॉर फोरम. ओके थैंक यू. आज जरा तबीयत ठीक नहीं थी मेरी तो इसलिए वर्कआउट नहीं कर पाई मैं. मैम कोई बात नहीं, आपने आप अपना न्यूट्रिशन ले लेना है, वर्कआउट के आज नहीं भी किया तो कोई बात नहीं. थैंक यू आपके फीडबैक. अभी किसी का भी हैंड रेज नहीं है, हर रोज की तरह आज की बढ़िया सी प्रार्थना के साथ कॉल का एंड करेंगे और दिन की शुरुआत करेंगे. अभी कैमरे जो ऑफ हो चुके हैं उन्होंने फिर से एक बार कैमरे ऑन करना है. थैंक यू वंस अगेन सभी को. मौत क्या आती है टीचर? हम मर जाएंगे टीचर. नहीं, तू बख्शीश कर
तो चलिए फिर मिलेंगे ये वेट लॉस चैलेंज पार्टिसिपेंट्स शाम में 6 बजे और बाकी सभी सुबह शाम 6 बजे कल जुम्बा डे में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।